हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके चैनल एम एंड अचीवर पर। हम आप सभी के लिए अभी जो है हिंदी ऑप्शनल की क्लास लेकर आए हुए हैं। ठीक, तो हम लोगों ने देखा कि हमने पिछली क्लास में हिंदी ऑप्शनल का जो पाठ्यक्रम है पेपर वन पर अच्छी तरह से चर्चा कर चुके थे। अभी हम प्रश्न पत्र संख्या नंबर 2 लेकर आए हुए हैं। ठीक, आप लोग पता ही होगा ऑप्शनल के पेपर 2 होते हैं। ठीक, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक, पेपर 2 जो कि हम लोगों ने पाठ्यक्रम पेपर 1 को अच्छी तरह से उस पर चर्चा किया हुआ था कि क्या चीजें पढ़नी है, क्या चीजें छोड़नी है और किस तरीके से पढ़ना है, हमें कहां तक पढ़ना है। ठीक, अब हमें हम लोग ध्यान दे रहे हैं पेपर 2 पर। पेपर 2 में आज हम देखेंगे क्या चीजें पढ़नी है और उसके साथ ही हम क्या करेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक, आज तो क्लास हो सकता है नहीं ले सके, सिर्फ पाठ्यक्रम पर ही चर्चा हो पाएगी और साथ ही जब हम क्लास लेंगे तो पेपर 1 और पेपर 2 को साथ लेकर चलेंगे। ठीक, क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि हम लोग को पढ़ने में भी आसानी होगी, समझने में भी आसानी होगी और क्या होगा, आंसर राइटिंग है उसमें भी करने में आसानी होगी। देखिएगा, अगर आप लोगों को नहीं इच्छा हो आप लोग बताइएगा, पेपर 1 को अलग से और पेपर 2 को अलग से लोग क्लास ले सकते हैं। क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे चीज है जो कि पेपर 1 पेपर 2 एक दूसरे पर आधारित है, इसीलिए हमने सोचा कि क्यों एक साथ लेकर चला जाए। ठीक, और साथ ही जैसे कि हमने उसमें देखा कि क्या चीजें पढ़नी है, क्या चीजें छोड़नी है और उसके साथ ही हम क्या क्या पढ़ना है। ठीक, तो उसी तरीके से उसी पैटर्न के साथ उसी ध्यान के साथ हमें इस पर भी ध्यान देना होगा पेपर 2 पर भी। क्या है कि इसमें जितने भी कवि हैं, चाहे कबीर हो, चाहे तुलसीदास हो, चाहे बिहारी हो, चाहे सूर्यकांत त्रिपाठी हो, चाहे दिनकर हो, रामधारी सिंह दिनकर, इन सभी कवियों के बारे में अध्ययन करना है। चाहे उधर हम लोग पढ़े, चाहे गद्य पढ़ेंगे तो प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां पढ़ेंगे जो कि गोदान, उनकी द्वारा लिखी गोदान भी है और साथ ही प्रसाद का स्कंदगुप्त, यशपाल दिव्या और फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखी गई मैलांचल और मनु भंडारी द्वारा लिखी गई महाभोज और राजेंद्र यादव द्वारा एक दुनिया समानांतर को अध्ययन करेंगे। ठीक, एक दुनिया समानांतर की सभी कहानियों को पढ़ेंगे, ये सब चीजें हमें पढ़ना है। ठीक, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम जानते हैं कबीर। कबीर, हम अभी कबीर पर हम विस्तृत चर्चा नहीं करना चाहते क्योंकि कबीर का जो हमारा सिलेबस से जुड़ा पाठ्यक्रम से जुड़े पॉइंट है वो छोटा नहीं है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लगभग 8 से 10 दिन तक क्लास चलेगी उसकी क्लास कबीर पर। तो क्या है कि कबीर जो है, कबीर की हम चर्चा करें तो कबीर, तो हम उससे पहले क्या होता है कि अगर एक एक, एक वक्तव्य करना चाहते हैं, जैसे कि कहा जाता है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गार, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अंजान। अर्थात कहने की बात है कि पहला कवि उसके मनो जो लिखी गई है जो उसके द्वारा उसके मनोवृत्ति को, मतलब पहला कवि वैसा वियोगी होगा, वो कविता लिखा नहीं होगा उससे, मतलब कि निकल कर आंखों से चुपचाप, मतलब कविता लिखी नहीं गई होगी, कविता क्या होगी, बही होगी, कविता लिखी नहीं जाती है। ठीक ना, तो उसी तरह से तो क्या था, कविता लिखी नहीं गई, उसे कहा वो निकल कर आंखों से चुपचाप बही हुई कविता अनजान। ठीक, उसी तरीके से जब हम कबीर कबीर का अध्ययन करेंगे तो कबीर बहुत ही तार्किक व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो कि युग में एक कुछ ही व्यक्ति के गिनती में आते हैं, ऐसे व्यक्ति जो कि व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं व्यक्ति थे लेकिन इनकी तार्किकता, इनकी हम तार्किक बुद्धि कहें, इनकी समझ, इनकी पकड़ बहुत ही उच्च कोटि की थी। हम इनकी तुलना किसी आज के विषय में बात करें कि आज के विषय में कबीर इतने पढ़े लिखे न होने के बावजूद भी इन पर हजारों लाखों व्यक्ति क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। सोच लीजिए, ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन आज भी इनकी तार्किकता के बल पर की इन पर रिसर्च चली जाती है। इन पर कितने लोग, कितने लाखों लोग पीएचडी कर चुके, कितने हजार लोग पीएचडी कर चुके होंगे, इस आधार पर सोच सकते हैं कबीर कितने हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे सिलेबस के लिए और हमारे समाज के लिए और हमारे पढ़ाई के लिए। ठीक, और साथ ही कबीर जो कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि जो अच्छाई होती है उसे अच्छी तरह से एक्सेप्ट भी करते हैं और जो बुराई होती है उसे अच्छी तरह से खारिज भी करते हैं। ठीक, क्या होता है जैसे कि वार्ड नंबर भी है, जितने भी जैसे कि चुट करते हैं, जैसे धर्म पर चुट करते हैं, कहते हैं कि काकर पास हजोड़ के मस्जिद लय बनाए, चढ़ी मुलाबाद भाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। लेकिन वही ये तो इस्लाम पर बोलते हैं, लेकिन वही हिंदू पर बोलते हैं कि
पहाण पूजे सो हरि मिले मैं पूजू पहाड़, पहाण पूजे सो हरि मिले पत्थर पूजे सो हरि मिले मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाक वाली पीस खाए संसार। सोच लीजिए कि पत्थर पूजे सो हरि मिले, ठीक है, पत्थर पूजे सो हरि मिले मैं पूजू पहाड़, उसे तो चक भली ना, जिसे आटा पीस जाता है चक्की जिसे कहते हैं, जिसे पीस खाए संसार। और वहीं हम लोग देखते हैं गुरु की महिमा मंडित उन्होंने बहुत सारी पंक्तियां लिखी, जैसे कि कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारे गुरु आपने जिन गोविंद यू मिलाए। ठीक, तो ये सभी क्या है, वो कबीर जो है वो अपनी समाज की जितनी भी अच्छाई थी चाहे बुराई थी उस बुराइयों पर चोट करते हैं और अच्छाइयों को एक्सेप्ट करते हैं। वहीं माया पर लेते हैं, माया महाठगनी हम जानी त्रिगुण पास लिए बोले मधुरी वाणी। ठीक, ये सभी चीजें क्या है। वहीं महिलाओं पर कबीर की सबसे कमजोर स्थिति महिलाओं पर देखी जाती है, वो महिलाओं को उतनी ताकत नहीं नजर आते। क्या होता है कि महिला पर लिखते हैं नारी के झाई पड़त अंधा होत भुजंग कबीरा तिनकी कौन गति जे नित नारी के संग। ठीक, ये सभी चीजें हैं, जब हम लोग क्लास करेंगे तो उस सभी बहुत सारी चीजें बहुत सारी पॉइंट है उन पर अध्ययन करेंगे। ठीक, तो कबीर क्या है कैसे है, कबीर बनने के पीछे क्या चीजें हैं, उन्हें क्या चीज कबीर से कबीर बनाती है। ठीक है, कबीर जैसा कोई नहीं, तो वो क्या चीज है जिसे कबीर की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, ये सब चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, उसके बाद तुलसीदास, ठीक, जो कि तुलसीदास रामचरितमानस, वो सब चीजें उसमें कुछ कविताओं नहीं, कुछ सुंदरकांड उत्तरकांड का अध्ययन करेंगे। ठीक, जायसी जो है पद्मावत लिखी, ठीक, ऐसे बहुत सारे पहले देख लीजिए। एक बात और बता दें, जब क्या होगा, हम लोग कबीर के बारे में पढ़ने से पहले चाहे सूरदास तुलसीदास चाहे बिहारी अन्य किसी भी कवियों के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, उसे पहले इन सभी चीजों के जीवन लेखा क्या क्या कौन कौन सी पुस्तकें हैं, कब लिखी गई, कैसे लिखी गई, ये सब चीजों को हम लोग जान लेंगे सभी कवियों के बारे में चाहे सभी कहानीकारों के बारे में जो भी हो चाहे हमारे भारत के इतिहासकार हो चाहे नाटककार हो, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे जान लेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे उन पर अध्ययन करेंगे। ठीक, अब क्या होता है उसी तरीके से जैसे बिहारी में पढ़ेंगे, बिहारी रत्नाकर उनके द्वारा लिखी गई काव्य पंक्ति है, जैसे कहत नतत रिझत खिजत खिलत मिलत लजिया भरे भवन में करत था नैनन ही सो बात। ठीक, तो ठीक है, इस पॉइंट पर हम भी चर्चा करेंगे, क्लास चलेगी बिहारी की उस पर भी चर्चा करेंगे, क्या कहते हैं बिहारी से कहने का तात्पर्य क्या है। ठीक, अब वही मैथिली शरणगुप्त जो भारत लिखी गई है उनके द्वारा, वही जयशंकर प्रसाद जो कहते हैं कमायनी सामंत मेरा तुझमें समा जाए रे। ठीक, तो वही कहा जा रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला राग ब्राग लिखी गई है, वही दिनकर रामधारी दिनकर जिनका पूरा नाम है कुरुक्षेत्र का अध्ययन करेंगे, अजय सचितानंद हीरानंद वात्स्यन अजय। ठीक, जिनका पूरा नाम सचितानंद हीरानंद वात्स्यन अजय है, जिसे आंगन के पारद्वार, ठीक है, आंगन के पारद्वार मुक्ति बोध का अध्ययन करेंगे, और साथ ही नागार्जुन सदियों की ठंडी बुझी रात सुखभुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहने लाती है। ठीक है, लिखी गई बादल के घिरते देखा अकाल खड़जन गाथा। ठीक, इन सब चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे, और कुछ ऐसे भी कवि हैं जो कि इसमें लिखे नहीं गए हैं, लेकिन हम लोग को अच्छे तरह समझने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर एनसाइटिंग प्रयोग करने के लिए हम कहीं कहीं इसमें कोट करेंगे। ठीक, आप लोग चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक, अब क्या आता है खंड ख में गद साहित्य पढ़ते हैं हम, क्या खंड में तो पद साहित्य पढ़ेंगे, लेकिन खंड ख में गद साहित्य पढ़ाता है भारतेंदु जो की भारत दुर्दशा। ठीक है, वही मोहन राकेश आषाढ़ का एक दिन, रामचंद्र शुक्ल जिसके द्वारा लिखी गई चिंतामणि, निबंध निर्णय जिसमें क्या आता है संपादक डॉक्टर राजेंद्र बाल कृष्ण भट्ट जो कि आप लोग पता है कि भारत जो भारतेंदु से भारतेंदु मंडल से जुड़े व्यक्ति हैं, प्रेमचंद गुलाब राय रामविलास शर्मा। ठीक, अब फिर आते हैं प्रेमचंद को अध्ययन करेंगे, प्रेमचंद की जो प्रेमचंद लिखी पुस्तक गोदान है, और साथ ही प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां जिसमें लगभग जो भी उसमें कहानियां जैसे कि हामिद कहानियां है, बूढ़ी काकी कहानियां है, बड़े घर की बेटी है, ये सब चीजें कहानियों का अध्ययन करेंगे, और प्रसाद, ठीक है,
प्रसाद आते हैं इनके द्वारा लिखी गई स्कंदगुप्त, जो कि थोड़ा हम लोग पढ़ने में पढ़ा जाएगा उस पुस्तक को भी, और जानेंगे कि स्कंदगुप्त जो है क्या है, उनकी उनकी समय के इतिहासकारों को भी चर्चा की गई है। यशपाल द्वारा लिखी गई दिव्या, बहुत दिव्या जो है एक ऐसी पुस्तक है, आप लोग उसमें नारियों की स्थिति के बारे में अगर कोई व्यक्ति हम तो कहते हैं कि यशपाल द्वारा लिखी गई दिव्या पुस्तक है, दिव्या हो चाहे मैला चलो महाबोझ हो, ठीक, आखिर कोई भी पुस्तक हो, कोई भी साहित्य पुस्तक हो, तो पहले हम चर्चा करते हैं उस पर ठहरूंगे। यशपाल जो कि दिव्या यशपाल द्वारा लिखी गई दिव्या का अध्ययन करेंगे, फणीश्वरनाथ रेणु, ठीक है, रेणु लिखने थर्ड वर्ड में, ठीक, फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखी गई मैलाचल का अध्ययन करेंगे, और मनु भंडारी द्वारा लिखी गई महाभोज, और राजेंद्र यादव द्वारा एक दुनिया समानांतर की सभी कहानियों का अध्ययन किया जाएगा। यह होता है हमारा पूरी पाठ्यक्रम, ठीक। हम तो कहते हैं कि ये जितनी पुस्तकें हमने देखा अभी यहाँ पर, कुछ दिव्या हो चाहे मैला चलो महाभोज हो, गोदान हो, प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां हो, तो हम लोग जब गोदान को पढ़ेंगे, गोदान, ठीक है, तो गोदान में क्या होता है कि हम लोग भारत के किसानों की स्थिति के बारे में जान पाएंगे कि आखिर भारत के किसानों की स्थिति कैसी होती है, ठीक है, उस गरीब तबका की स्थिति को जान पाएंगे, ठीक, गोबर भैया कैसे गोवर्धन भैया बन जाते हैं, उन स्थिति के बारे में जानेंगे। अब क्या होता है दिव्या अगर कोई व्यक्ति पढ़ता है, हम तो कहते हैं कि आपसे पूछा जाए कि क्या साहित्य जो है क्या उसका समाज पर कोई प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है, हम इस चीज पर चर्चा करेंगे, कभी क्लास लेकर आएंगे कि क्या चीजें हैं, क्या चर्चाएं हैं, उस पर बताएंगे हम कि जो समाज को एक तार्किक बनाने में, एक संवेदनशील बनाने में, एक प्रेम रूपी बनाने में उसका क्या प्रभाव रहता है साहित्य का, उन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। उस पर हो सकता है कि कुछ प्रश्न आ जाए जिससे लिखने में आसानी भी हो, और ठीक है, और वहीं और हम महाभोज की बात करें, महाभोज के गरीब तबके की स्थिति के बारे में पता चलती है, और यही सब हम तो कहते हैं गोदान हो चाहे प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां हो, जैसे कि कहा जाता है कि बूढ़ी काकी चाहे उसमें दिया गया है एक, तो उस बूढ़ी काकी जो है चाहे एक बूढ़े होने की स्थिति में कैसी व्यक्ति की उस स्थिति हो जाती है, उसे कैसी कई समस्याओं से झेलना पड़ जाता है, इन सब चीजों के बारे में चर्चा की गई है, जिससे कि इन सभी कहानियों को पढ़ने से क्या होता है, देखिए क्या होता है कि कोई कहानी हो, कोई पुस्तक पढ़ने से, कोई भी चीज पढ़ने से पाठक के मन पर इतना प्रभाव हो जाना चाहिए कि क्या हो, व्यक्ति पढ़ने से पहले जैसा था पढ़ने के बाद वैसा ना रहे, जो पाठक है पढ़ने से पहले जैसा था पढ़ने के बाद वैसा ना रहे, तो ऐसा प्रभाव जो है हमारे साहित्य हमारे समाज पर चाहे हमारे पाठक के विचार पर प्रभाव डालते हैं, ठीक। तो देखते हैं अभी जब हम क्लास करेंगे तो हमारे समाज पर हमारे विचार पर कैसे जितने भी चली आ रही हमारी मापदंड है मनोवृत्तियां हैं कैसे इसे खारिज किया जाता है, कैसे स्वीकारा जाता है, कैसे विकास हुआ, इन सब चीजों को हम लोग जानेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी का धन्यवाद, अब कल हम लोग फिर से मिलेंगे अगले क्लास में, ठीक, धन्यवाद।